नमस्कार। कोरोना से बचाव के लिए आप भी अपनाएं ये तीन उपाय। 2 गज दूरी का पालन करें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें, अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें। जीवन की महत्वपूर्ण टैगलाइंस के साथ आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आज मैं हूं आपके साथ रानू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने गुरुवार को सर्किट हाउस में विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों को दी जानकारी। बस्तर जिले में राज्य की पहली महिला पुलिस बैंड की हुई स्थापना, महिलाओं को पुरुष के समकक्ष अवसर प्रदान करना इसका उद्देश्य। अन्नदाताओं के समर्थन में नानगुर ब्लॉक के मांझीगुड़ा पंचायत से कांग्रेस की पदयात्रा का हुआ आगाज और महारानी अस्पताल के कादंबरी प्रसूति विभाग में मध्य रात्रि में लगातार 3 दिनों से अज्ञात व्यक्ति के पहुंचने से दहशत का माहौल, नर्सों ने की सुरक्षा की मांग। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के महामहिम राज्यपाल अनुसुईया उइके अपने बस्तर प्रवास के दूसरे दिन शहर के सर्किट हाउस पहुंचकर विभिन्न सामाजिक संगठनों से उन्होंने मुलाकात की और प्रेस वार्ता लिया। साथ ही उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया। इस दौरान राज्यपाल ने बताया कि बस्तर के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो विकास से अछूते हैं। कई खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र और इंद्रावती नदी के उस पार कई गाँव के ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। इस तरह के कई गांवों के आवेदन उनके पास आए हैं, जिसके लिए उन्होंने बस्तर के कमिश्नर को इन गांवों को दंतेवाड़ा जिला और बीजापुर जिले में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने बताया कि बेंगलुरु, मंगनार, कोसलवाड़ा और तुमनार जैसे गांव हैं जो किसी जिले के अंतर्गत नहीं होने की वजह से इन गाँव में कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। ऐसे में राज्यपाल ने इन सभी ग्रामों को दंतेवाड़ा जिले में शामिल करने के निर्देश बस्तर कमिश्नर को दिए। वहीं बीजापुर क्षेत्र में भी कुछ गांवों को बीजापुर जिले में शामिल करने के साथ उन ग्रामीण अंचलों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। इसके अलावा धर्मांतरण को लेकर राज्यपाल ने कहा कि बस्तर में धर्मांतरण काफी गंभीर समस्या है और लगातार आदिवासी लोगों को धर्मांतरण कर उनकी जमीन जायदाद की खरीदी और बिक्री की जा रही है। आदिवासी बहनों को बहला फुसला कर उनसे विवाह कर उनकी जमीन हड़पी जा रही है। राज्यपाल ने कहा कि गैर आदिवासी लोग जिस तरह से आदिवासियों की जमीन खरीद फरोख्त कर रहे हैं, इसको लेकर उन्होंने जांच कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं और बस्तर में इस पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए जाने की बात भी राज्यपाल ने कही है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा, साहब, एसपी साहब, आईजी साहब, कमिश्नर साहब से भी मीटिंग लिया और इसमें पूरी जानकारी भी मैंने प्राप्त किया और जो जो मेरे चाहे वो नक्सल लाइट जो लोग से आत्मसमर्पण कर रहे हैं उन लोगों के परिवार के बारे में भी पूछा तो जानकारी मिली और मैंने भी मुख्यमंत्री जी को इसके लिए पिछले 2020 अक्टूबर को कहा था कि उनको आवास की व्यवस्था होनी चाहिए, मूलभूत उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके परिवार के लिए। अगर वो आत्मसमर्पण या जो प्रभावित है नक्सलाइट से वो तभी इस मामले में संतुष्ट होगा कि उसको ये तमाम सारी चीज़ें उसको सुविधा मुहैया कराए जाए, वरना फिर दूसरे लोग उससे तरह जो लोग इस उम्मीद से आए कि हाँ यहाँ पर हमारी जिंदगी एक अच्छी नई जिंदगी शुरुआत होगी और इसके लिए शासन प्रशासन की तरफ से विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी घोषणा किया था और दंतेवाड़ा में पता लगा कि अभी 100 के लगभग उनके आवास जो है आपका MDF जो उसका जो फंड होता ना उससे वहाँ पर बनाए जा रहे हैं। ये सारे छोड़कर आप मुख्य धारा से जुड़िए और अपना जो है ये खून खराबा से इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है और सरकार के द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं कि उनको किसी न किसी तरह से उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में या उनको रोजगार किस तरह से वो दिया जा सकता है ताकि और लोग भी प्रभावित होकर वापस आए, तभी इसका समाधान हो सकता है। और गांव के लोगों को भी मैंने कहा कि आपका सहयोग प्रशासन के लिए बहुत जरूरी है। अगर इन
के अंदर भी अगर प्रशासन को पूरा सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से यहाँ से हम नक्सलवाद को समाप्त कर सकते हैं। वर्षों से कुछ लोग मेरे पास राजभवन में आए थे, ये है दंतेवाड़ा बीजापुर गांव के लोग, वो गांव उनसे 80 किलोमीटर और वो नदी पार करके जाते हैं। आज बताइए कि राजस्व और जो भी कुछ जाति प्रमाण पत्र से लेकर जितनी भी कार्रवाई 80 किलोमीटर और ये दंतेवाड़ा पास में है, तो आप ऐसी स्थिति में वो समस्या और सरकार की योजनाओं का वहाँ के गांव के लोग कैसे लाभ उठा सकते हैं। इन्होंने बार बार इसका आवेदन दिया, फिर मेरी कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब से बात हुई है और मुझे लगता है कि ये सारी कार्रवाई मैंने निर्देशित भी किया और कब तक हो जाएगा, 10 दिन के अंदर ये मैंने पहल की। और जिसमें कौशलवार मंगनार तुमना बाल बेंगलुरु को जो दंतेवाड़ा में जोड़ने के लिए बात की, ये चीज़ों की बिल्कुल बहुत गंभीरता से इस चीज का पहल होनी चाहिए, है ना। और इसी तरह से आपका ये जो है बीजापुर में बेंगलुरु कोयम ये तालकुंडम सड़ार जो 1979 में भूमि अधिग्रहण हुआ था उसका मुआवजा भी लोगों ने मुझे कहा था, उसके लिए भी आप चेक करेंगे उसकी कार्रवाई। और इसके बाद इसमें कुछ चीज़ों की मेरे पास भी आई थी धर्मांतरण को लेकर भी, इस पर भी ये देखें कि कानून तो है कि जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भोले भाले आदिवासियों को लाभ प्रलोभन और बहुत सारे इस तरह का देकर, और शादी तो करते हैं उसके पीछे उनकी मंशा और कुछ होती है। अभी मेरे सामने जितने प्रतिनिधि मंडल मिले उनके नाम से करोड़ों अरबों की जमीनें खरीद कर और लोग को कर रहे हैं, और जिनको जिनकी जमीन भी है उनको भी नहीं पता लगा और ना उनको पता है कि हमारे नाम की। तो इस तरह का हमने देखा कि आखिर इतनी महंगी और जो मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से तो उसको पैसा मिला कि नहीं मिला, और वो पैसा जिसके नाम से किया है तो उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, कहाँ से, इसका पूरा एक कमेटी बनाकर जांच करने के लिए कलेक्टर साहब ने कहा है कि कम से कम इससे ड्राइवर को छुटकारा तो बेचारों को मिले। छत्तीसगढ़ पुलिस ने नक्सल प्रभावित बस्तर जिले में राज्य के पहले महिला पुलिस बैंड की स्थापना की है। दरअसल बस्तर संभाग में पुलिस और सुरक्षा बलों में महिला अधिकारी और कर्मचारियों को कार्य क्षेत्र में पुरुषों के बराबर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बस्तर में पहली बार महिला पुलिस बैंड बनाया गया है। आमतौर पर पहले महिला पुलिस बैंड को कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और अपराधों की विवेचना में ही अवसर दिया जाता था, लेकिन नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर में महिला बैंड बनाया गया है जो अपनी प्रस्तुति से सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यही नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी महिला बैंड की प्रस्तुति देखकर उन्हें सम्मानित भी कर चुके हैं। आने वाले दिनों में इस महिला पुलिस बैंड में और भी महिलाएं शामिल होकर पूरी तरह से महिला बैंड बनाने की तैयारी बस्तर पुलिस कर रही है। महिला पुलिस बैंड में शामिल सभी युवतियां और महिलाएं पुलिस में आरक्षक और सहायक आरक्षक के पद पर पदस्थ हैं। सभी ने सबसे पहले पुलिस में भर्ती के बाद ट्रेनिंग ली, साथ ही उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और उसके बाद से बस्तर आईजी एसपी की पहल पर बनाए गए पुलिस महिला बैंड में वो शामिल हुई। इधर पुलिस बैंड में लगभग अपनी 15 साल की नौकरी कर चुके रिटायर्ड एएसआई ईश्वरदास वानखेड़े ने इन महिला पुलिस की बैंड को पूरी तरह से ट्रेनिंग दी है। उन्होंने बैंड पार्टी में शामिल इन सभी महिला पुलिस कर्मियों को लगभग 4 महीने तक ट्रेनिंग दी। इस दौरान महिला पुलिस को देशभक्ति के 12 गीत बजाने का प्रशिक्षण दिया गया जो वो परेड और अन्य सरकारी आयोजनों पर बजा सकें। इसके अलावा पुलिस बैंड के द्वारा बजाए जाने वाले सभी बैंडों की उन्हें ट्रेनिंग दी गई। सबसे पहले इस महिला पुलिस बैंड को विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के दौरान बैंड बजाते देखा गया। दशहरा के सभी रस्मों में इस महिला पुलिस बैंड के द्वारा शानदार प्रस्तुतियां दी गई और उसके बाद से ही इस पुलिस बैंड की जमकर तारीफ होने लगी। जिला पुलिस बैंड दल के टीम में 10 महिला आरक्षकों को शामिल किया गया है। इन्हें ड्रम पैड, बेस ड्रम आदि बजाने की ट्रेनिंग दी गई। इस पूरे पुलिस बैंड में 16 सदस्य हैं और इनमें 10 महिला आरक्षक हैं। लगभग 4 महीने की ट्रेनिंग के बाद ये सभी महिला आरक्षक अच्छा वादन कर लेती हैं, इसलिए उन्हें वादन प्रदर्शन के लिए शामिल कर लिया गया।
बस्तर दशहरा के बाद लगातार सभी शासकीय आयोजनों और 26 जनवरी के अलावा पुलिस के सभी कार्यक्रमों में इन महिला पुलिस बैंड के द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी जा रही है। सबसे खास बात यह है कि इन महिला आरक्षकों के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बैंड से मुख्यमंत्री भी आकर्षित हो गए। 26 जनवरी के दौरान शहर के ऐतिहासिक लालबाग मैदान में पूरी तरह से महिला बैंड के द्वारा राष्ट्रगान के साथ परेड, सलामी और सभी कार्यक्रमों में शानदार प्रस्तुतियां इस महिला बैंड के द्वारा दी गई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने इस महिला बैंड टीम की जमकर तारीफ की और उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। ये महिला बैंड है जो मई से हम लोग सीख रहे हैं 2020 में, जो अभी साल भर नहीं हुआ है, मई आने के बाद साल भर होगा, मान के चलो 6-7 महीना हो रहा है। इसमें हम लोग बहुत कुछ सीख लिए, तो मैं जो है वो बड़ा ड्रम बजाती हूँ, बेस ड्रम, और बाकी जो है महिला इन्फोनियम ड्रम पे, और दो लोग हम लोग बेस ड्रम बजाते हैं। तो इससे क्या है, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। और सबसे पहले हम लोग ना 5वीं बटालियन गए कांगोली में, सबसे फर्स्ट था वो मेरा पासिंग आउट। उसके बाद हम लोग निरीक्षण, मतलब करीब करीब 10-11 करीब हम लोग मतलब दे चुके हैं। उसके बाद अभी फिर मंत्री आए थे तब, और 26 जनवरी में जो हुआ उसमें भी हम ही लोग थे, और आगे अगर बुलाएंगे तो जाएंगे, और कहीं कहीं जहाँ बुलाव आता है वहाँ जाते हैं। हम लोग को बहुत खुशी मिलती है, मतलब हमेशा उत्साह से हम लोग बजाते हैं ना, बजा जैसे कोई मजबूरी से बजाता है या फिर किसी को असकर, वैसे नहीं है, हम लोग बजाना है मतलब बजाना एकदम मन लगा के बजाते हैं, तभी तो यहाँ आधा से ज़्यादा हम लोग सीख लिए और बजाते हैं जाके। मन ही नहीं लगता, दिमाग ही नहीं लगता, तो कहाँ से सीख पाते। सीएम के साथ हाँ मिला ना, हम लोग को सम्मानित किए और आगे बढ़ने का मतलब हम लोग को प्रोत्साहन दिए हैं, तो हम लोग और आगे जाके और अच्छा से सीखेंगे। समर्पण होने के बाद मेरे को नौकरी दिया गया है, अभी मैं बहुत खुश हूँ और अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ। पहले मैं ऐसा ज़िंदगी जीती थी कि पूछ भी नहीं सकती। मैं अभी वहाँ पे 2 साल करीब बनती, हम लोग मीटिंग करते थे, कहीं गांव में मीटिंग होता था तो मीटिंग जाते थे, मीटिंग करते थे, और जंगल जंगल ही भटकना पड़ता था। अभी मैं बैंड पार्टी में आ गई हूँ कि देखने को भी मिल रहा है, और मैं अच्छी अपने आप को अच्छी महसूस करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। जितने भी बाहर है नक्सली है, तो उन लोग भी मेरी तरफ बने, मेरे जैसा आत्मसमर्पण करें और मेरे जैसा अच्छी ज़िंदगी गुजारे। आमतौर पर पुलिस विभाग में कुछ कार्य जैसा बैंड, सलामी गार्ड, नक्सल विरोधी अभियान, इसको सिर्फ पुरुष जो बल हैं उन्होंने लगातार करते आए थे, लेकिन धीरे धीरे बस्तर संभाग में महिला जो अधिकारी एवं कर्मचारियों को भी नक्सल विरोधी अभियान, पुलिस बैंड, सलामी गार्ड और अन्य जो सेरिमोनियल ड्यूटीज़ है उसमें भी बराबर अवसर देने के उद्देश्य से विगत दिनों दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी फाइटर्स के नाम पर जो महिला एंटी नक्सल ऑपरेशन कमांडर्स तैयार की गई थी, और लगभग सभी जिला में भी महिला बल हमारा नक्सलवादी अभियान में कार्य कर रहा है। इसके साथ साथ बस्तर जिला में पहली बार राज्य में जो महिला हमारा अधिकारी कर्मचारियों को बैंड में भाग लेने के लिए एक अवसर दी गई थी विगत 26 जनवरी के कार्यक्रम के दौरान, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष ये बैंड द्वारा अपना प्रस्तुतिकरण दी गई थी। इनके कार्य को काफ़ी सराहना की गई थी, और वर्तमान में इस बैंड में 9 हमारा महिला पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हैं, और आने वाले समय में संपूर्ण बैंड को हम लोग 100% महिला बैंड के हिसाब से तैयार करने के हिसाब से हम लोग की कार्य योजना है। इस प्रकार धीरे धीरे बस्तर संभाग के अंतर्गत हमारा जो महिला पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को भी सभी सेक्शंस में सभी प्रकार की ड्यूटी में उनका भी एक बराबर अवसर देने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पारित कृषि और मजदूर विरोधी 3 काले कानून के विरोध में जगदलपुर के नानगुर ब्लॉक में मांझीगुड़ा से पद यात्रा प्रारंभ हुई। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार 3 किसान विरोधी बिल पास करने हरित क्रांति को विफल करने की साजिश कर रही है। पदयात्रा के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि 3 कृषि कानून के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ी संख्या में किसान और खेतिहर मजदूर इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की आवाजों को कुचलने का प्रयास कर रही है। इस परिप्रेक्ष्य में जगदलपुर के नानगुर ब्लॉक के मांझीगुड़ा, अलनार, साड़गुड़ आदि विभिन्न पंचायतों में जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में इस बिल का विरोध करते हुए पदयात्रा निकालकर किसान विरोधी बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है।
पदयात्रा में उपस्थित किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि विधेयक को लेकर मचे घमासान के बीच इसे किसान विरोधी करार देते हुए केंद्र सरकार पर उन्होंने जमकर हल्ला बोला। विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि ये अध्यादेश भारत के अन्नदाता और 1 अरब 33 करोड़ जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। भाजपा के MSP का मतलब किसानों को उपज का मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं बल्कि पूंजीपतियों के लिए मैक्सिमम सपोर्ट इन प्रॉफिट है। इस डूबती अर्थव्यवस्था में खेती ही एकमात्र ऐसा सेक्टर है जो देश की बिगड़ी और गिरती अर्थव्यवस्था को सुधारने में कारगर साबित हो सकती है। विधायक राजमन बेंजाम, महापौर सफीरा साहू, सभापति कविता साहू, जिलाध्यक्ष बलराम मौर्य, मलकीत सिंह गैदू, सामू कश्यप ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस विधेयक के दूरगामी परिणाम किसानों के लिए अहितकर होने वाले हैं। ये एक तरह से परंपरागत कृषि क्षेत्र में बड़े उद्योगपतियों के पदार्पण की आहट है। बस्तर की बात, जगदलपुर। यहाँ ब्रेक पर जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपनी दुकानों के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड को जाम ना करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग ना करें और ना ही दुकान के कचरे को रोड और नालियों में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं बाकी खबरों के साथ। आप बने रहे हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा, कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी कमी और खामी, खूबसूरत नजारे, अब होगी हर बात हमारे साथ। बस्तर की बात। खूबसूरती के नाम जब प्यार में हो ऐसा कंफ्यूजन तो क्या होगा इनका इक्वेशन। सुहानी सी एक लड़की हर शाम 6 बजे और पुनः प्रसारण हर सुबह 9 बजे सिर्फ शिमारू टीवी पर। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आइए बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। महारानी अस्पताल के कादंबरी महिला प्रसूति विभाग में पिछले कुछ दिनों से एक अज्ञात व्यक्ति मेडिकल वार्ड में प्रवेश कर मरीज के परिजनों से
स्मार्ट मोबाइल फोन मांग रहा है और मोबाइल पर लोगों से बात कर वहां पर पहुंचने की जानकारी भी वो देता है। ये व्यक्ति पूरी तरह से अपने मुंह ढका रहता है और हाथ में रिवाल्वर लिए स्टाफ को भी धमकाता है, जिसके चलते गुरुवार को सभी नर्सों ने सुरक्षा की मांग करते हुए काम उन्होंने बंद कर दिया। सिविल सर्जन डॉक्टर संजय प्रसाद के समझाने पर नर्सेस फिर काम पर लौटी हैं। देखते हैं क्या है पूरा मामला। महारानी अस्पताल के कादंबरी प्रसूति विभाग में सुरक्षा की मांग करते हुए नर्सों ने गुरुवार की सुबह काम बंद कर दिया। इस दौरान रात्रिकालीन सेवा में उपस्थित नर्स ने बताया कि विगत 3 दिनों से एक व्यक्ति मेडिकल वार्ड में प्रवेश करता है और कमरों में प्रवेश कर मरीजों के परिजनों से स्मार्टफोन की मांग करता है। ये व्यक्ति पूरी तरह से अपना मुंह ढक कर हाथ में रिवाल्वर लिए परिसर में घूमता है, जिसके चलते काफी दहशत यहाँ व्याप्त है। इस संबंध में बुधवार की दरमियानी रात नाइट ड्यूटी पर उपस्थित नर्स ने घटना के संबंध में जानकारी दी। वो पहले दिन आया था और दीदी लोग जो सामने में रहते उन लोगों के रूम में पूरा घुस चुका था। मैं पीछे से आवाज़ दे रही थी उसको कि आपको क्या काम है, आप इधर स्टाफ से बोलिए, आप ऐसे रूम में क्यों घुस रहे हैं। वो मेरा बात को अनसुना करके भी अंदर घुसा, फिर उनके रूम तक आधा जा चुका था, फिर उन लोग उठ के उसको भगाए वहां से, तो वो बाहर निकला, फिर मेरे तरफ पलटा तो मैं पूछी उसको क्या काम है, तो बोलते मेरे पेशेंट है यहाँ पे इंजेक्शन लगवाने के लिए आए हैं अंदर। बोले यहाँ पे पेशेंट को इंजेक्शन नहीं लगता है, यहाँ पे लेबर वार्ड है। तो वो चला गया। उसके बाद फिर हम लोग उसको ढूंढते हुए गए कि गया कहाँ, देखे तो वह बैठा हुआ था। मैं पूछे कि कौन है आपके पेशेंट, बता दो, हम लोग पेशेंट को ढूंढ करके आपको बता देंगे। तो वो ना उतना में हड़बड़ा गया, बोले नहीं मेरे भैया लोग आ रहे हैं तो हम लोग मैं मिल लूंगा। उसके बाद तो हम लोग फिर अपने इधर आ गए, पता नहीं उसके बाद को वहाँ पे क्या हुआ वार्ड में। फिर परसों भी सेम चीज़ किया वो, और कल नाइट में तो पूरा यहाँ तक पहुँच गया था। हम लोग हमेशा गेट खुला रहता है, पेशेंट किसी भी टाइम आते हैं, लेकिन कल हम लोग वो भी गेट बंद करके रखे थे, ये भी बंद करके रखे थे, पर वो भी खुला ये भी खुला, 2-3 बार वो राउंड लगाया। उसके बाद भी हम लोग को पूरा गेट कुछ जोरों से मतलब खींचने लगा कि वो खुल जाए, खुल नहीं पाया। अंदर ओटी में गया, ओटी यूज़ किया वहाँ का बेसिन यूज़ करने के बाद, इधर मैम लोग का जो अंदर से रूम है वो भी खोलने की कोशिश किया और हम लोग का भी, फिर 2-3 राउंड लगा के वो चला गया। वो अकेला था या उसके साथ वो और कोई अकेला था? गया तो नहीं उस टाइम, यहाँ पे खड़े हुआ, खड़े होकर के फिर हम लोग हिम्मत करके यहाँ तक आए, जैसे भी कान लगा के सुने गया या नहीं गया। तो वो इतना बस बोला कि आप लोगों को कितना टाइम लगेगा आने में। वो किसी को फोन लगाते भैया लोग नहीं थे, वो कोई और ही था, क्योंकि अगर पुलिस वाले भैया होते जो भी होते, अगर हम लोग इन्फॉर्म किए तो लोग आकर के आवाज देते कि सिस्टर कहाँ हो आप लोग, जब इन्फॉर्म नहीं किया भैया तो 20-25 बाहर बाद ही निकलो तुम लोग करके, लेकिन वो नहीं था। उन लोग वो ऐसे ही बात किया कि आप लोगों को कितना टाइम लगेगा आने में। उसके बाद शायद उसको हलचल पता चला होगा कोई आ रहा है, उसके बाद वो कहाँ गया वो भी नहीं मालूम, हम लोग तो पूरा ढूंढे उसको नाइट में। घटना की जानकारी मिलने पर सिटी कोतवाली प्रभारी एमन साहू भी अपने स्टाफ के साथ अस्पताल पहुंचे और मामले के संबंध में स्टाफ नर्स से घटना की उन्होंने जानकारी ली। स्टाफ नर्स ने घटना के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया, समस्या आ रही है वो किस बात की है यहाँ सिक्योरिटी को लेकर के? सिक्योरिटी गार्ड रहेगा तो हमारे छोटे छोटे लड़कियाँ जो नाइट ड्यूटी करते हैं दिन ड्यूटी करते हैं आके कोई भी धमका के चले जाते हैं, ये सब नहीं होगा। गार्ड रहेगा तो मेल गार्ड की बहुत ज्यादा जरूरत है। लगभग कितने मेल गार्ड चाहिए? एक बजे से लेके दूसरे दिन 8 बजे तक सुबह। हमको ऐसे तंग कर रहा है, ऊपर में नर्सरी है वहाँ पे भी बच्चे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई भी एक अकेले स्टाफ ड्यूटी करते हैं, कोई आके उनको मार मुरा के बच्चा लेके चले गए तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा ना। छत्तीसगढ़ के प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह परिहार, जब नए सिरे से बना था तो नए सिरे से पूरे कैमरे वैमरे सब लगे हुए थे, वो कैमरे क्यों निकाल दिए गए, क्यों बंद करा दिए गए, ये विवाद वाली बात है, ये डॉक्टर प्रशासन से पूछना पड़ेगा कि ये कारण क्या है। और दूसरा और भी बहुत सी समस्या यहाँ पर आ रही है कि पानी की भी समस्या है, क्यों पानी बहुत एकदम है ना, पानी नहीं आ रहा है, मिट्टी आ रहा है, पानी टोटल सब जगह बंद करा दिया गया है, बाथरूम लॉक रहता है, ये क्यों चालू नहीं हो रहा है। और ये भी एक समस्या, और कुछ समस्या, एक और कुछ समस्या आई थी हाँ, और दूसरा क्या है, गार्ड 8 गार्ड हैं लेकिन दिखते 2 ही गार्ड हैं जो हमें जानकारी मिली है। अच्छा कैमरा के बारे में आपने शिकायत किया था? कैमरा के बारे में मुझे कल ही पता चला है, कल ही हमारे स्टाफ के लोगों ने बताया कि यहाँ कैमरा विगत कई दिनों से बंद है, और ये मौखिक इन लोग ने डॉक्टर प्रसाद सर को बता चुका है कि सर कैमरा बंद है, आप चालू करवा दीजिए। रात में लोगों को जो सिक्योरिटी के लिए दिया गया है कि फोन करो, फोन तो हमारे हाथ से छीन सकता है कोई भी क्रिमिनल आएगा, तो एक कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो कि वहाँ पे कोई बटन लगाओ, सायरन बटन, जिसको हम बजाएं वो सीधे सिक्योरिटी के पास जाए,
बटन आवाज वहां जाए ताकि वो इंस्टेंट हमें हेल्प करने के लिए आ जाए। उसके अलावा भी एक गार्ड हमारा लेबर रूम के बाहर और एक ऊपर नर्सरी में और एक मेन गेट पे होना चाहिए जो कि रात में बिल्कुल नहीं होता है कोई भी। विगत कल और परसों की घटना है। कल परिसर में कुछ असामाजिक तत्व घूमते पाए गए थे और आज रात की घटना ये है कि आज रात में वो लोग परिसर में अंदर घुसे हैं और मरीजों को तथा महिला वार्ड में वर्किंग स्टाफ को परेशान करने की कोशिश किए हैं। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची थी और उनको भगा के पकड़ने की कोशिश की गई लेकिन वो लोग दीवार कूद के भाग गए। और विगत 3-4 दिन पहले या एक हफ्ते पहले की घटना है कि जिस कैमरे में पीसी लगा हुआ था वो पीसी चोरी हुआ था, उसको बदला गया है और बदलने के बाद उसमें कनेक्शन नहीं हो पाया है, इसलिए इस मुख्य महिला द्वार का कैमरा चालू नहीं है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके स्थानीय दंतेश्वरी मंदिर में मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना के बाद राजमहल पहुंचकर बस्तर राज परिवार की कृष्ण कुमारी देवी के साथ सौजन्य मुलाकात उन्होंने की। इस अवसर पर बस्तर राज परिवार की ओर से पारंपरिक लोक नृत्य के साथ राज्यपाल का भव्य स्वागत किया गया। सुकमा राज परिवार के कुमार जयदेव के साथ विभिन्न समाज प्रमुख भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। चलते चलते आइए फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने गुरुवार को सर्किट हाउस में विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों को दी जानकारी। बस्तर जिले में राज्य की पहली महिला पुलिस बैंड की हुई स्थापना, महिलाओं को पुरुष के समकक्ष अवसर प्रदान करना इसका उद्देश्य। अन्नदाताओं के समर्थन में नानगुर ब्लॉक के मांझीगुड़ा पंचायत से कांग्रेस की पदयात्रा का हुआ आगाज और महारानी अस्पताल के कादंबरी प्रसूति विभाग में मध्यरात्रि में लगातार 3 दिनों से अज्ञात व्यक्ति के पहुंचने से दहशत का माहौल, नर्सों ने की सुरक्षा की मांग। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर रूबरू होंगे बस्तर की ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाजत। नमस्कार।